पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, और घूमोगे और ऐश करोगे तो बनोगे नवाब। आजकल यही चल रहा है। अभी नीट का पेपर हुआ है, आज इसी पे डिस्कशन है, और ये पॉइंट कहीं ना कहीं बहुत चुभ रहा है मेरे को भी। भाई देश का युवा जो है, यूथ जो है, इतना मेहनत करता है, और मेहनत करता है फिर पेपर देने जाता है। एक वो स्टूडेंट जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, पैसा है, करोड़ों रुपए दे सकता है, एक वो स्टूडेंट जिसके पास पैसा नहीं है फॉर्म भरने का, वो जब पेपर देता है मेहनत से देता है और पास भी होता है। नीट का एग्ज़ाम हुआ और हल्ला ये हो रहा है कि भाई नीट का जो पेपर है वो दोबारा होगा। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो पेपर लीक का मैटर है उसको एनटीए, जो एनटीए करवाता है एग्ज़ाम, एनटीए ने अपने आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डाला हुआ है कि हुआ क्या है। एनटीए ने जो कहानी सुनाई है वो कहानी सच है, या जो पत्रकार बता रहे हैं वो कहानी सच है, या जो स्टूडेंट कह रहे हैं वो कहानी सच है। माजरा ये है कि भाई एनटीए का नीट का पेपर था और स्टूडेंट पेपर देने पहुंचे, और ड्यूरिंग पेपर जो पेपर है वो इंस्टाग्राम पे लीक हो गया। मतलब कि भाई इंस्टाग्राम पे पेपर आ गया आराम से कि भाई लो तुम भी कर लो, तुम भी पास हो जाओ भाई, डॉक्टर बन जाओ, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे बस गूगल करना, आंसर लिखना है ना, आप डॉक्टर बन गए। ऐसे डॉक्टर क्या इलाज करेंगे यार, ऐसे तो किडनी निकालेंगे बेचेंगे, हार्ट निकालेंगे बेचेंगे। माजरा यही है कि एनडीए के हिसाब से कि कुछ स्टूडेंट थे जो पेपर से पहले, जैसे पेपर का टाइमिंग 5:30 बजे जो भी था निकलने का, वो पहले निकल गए, ड्यूरिंग पेपर ही पेपर आउट हुआ है, और वो गए पेपर इंस्टाग्राम पे लीक कर दिए। लेकिन सारे स्टूडेंट तो एग्ज़ाम में बैठे थे, एनडीए के कहने का मतलब है कि सारे स्टूडेंट तो एग्ज़ाम में बैठे थे, किसी को पेपर के बारे में पता नहीं चला, बस जो स्टूडेंट आ गए थे उन्हीं को एनटीए के पेपर के बारे में, नीट के जो एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में पता चला। एनटीए ने अब ये सफाई दी है, कई सारी कार्रवाई भी कर रही है गवर्नमेंट बिहार में, अदर अदर लोकेशंस पे कि भाई कहाँ कहाँ छापेमारी हो रही है। अब एनटीए ने तो ये क्लियर कर दिया कि पेपर दोबारा नहीं होगा, ठीक है, पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर जब भी इंस्टाग्राम पे आया है तो जो स्टूडेंट अपलोड किए हैं वो एनटीए के मतलब जो नीट का पेपर था वो पेपर के ड्यूरेशन में, जबकि सारे स्टूडेंट एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर थे, एनटीए का कहना ये है। अब अगर देखो ये सच्चाई है फिर तो कोई टेंशन नहीं है, मतलब कि ठीक है पेपर लीक नहीं हुआ क्योंकि सब लोग अंदर ही थे, पेपर बताएगा कौन। लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका जुगाड़ सेंटर के अंदर होता है, ये माजरा है, जुगाड़ सेंटर के अंदर होता है और वो तुक्का मार के एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा उनका। देश के यूथ के साथ कहीं ना कहीं बहुत 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 बड़ी नाइंसाफी हो रही है, और ऐसे मैटर कहीं ना कहीं यूथ को ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक मतलब इंटरनली ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, समझ से बाहर कर देते हैं और समझ से परे कर देते हैं। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, ये चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। यूथ जो है काफ़ी मेहनत कर रहा है भाई, एमबीबीएस की सीट के लिए कितनी मेहनत लोग कर रहे हैं यार, और पता चला पेपर लीक हो गया, और जिसका कभी सिलेक्शन नहीं होना था वो 40 लाख में, 20 लाख में, 10 लाख में पेपर दे करके पास हो जा रहा है। ऐसे यूपी पुलिस का पेपर हुआ वो पेपर लीक हो गया, ऐसे और भी कई सारे पेपर हुए जिनका कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब लड़का अगर तैयारी करा तो भैया बस तैयारी ही करता रहे, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो पास हो जाएगा सरकारी नौकरी में। तो ऐसे में तभी मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि एक विंडो ओपन करके रखिए प्राइवेट इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट जॉब मिलना ना मिलना पता नहीं, आई डोंट नो कि क्या है अभी करंट टाइम की सिचुएशन, बट यूथ के साथ गलत बहुत हो रहा है। ये चीज़ का मैं बिल्कुल मतलब सपोर्ट नहीं करता हूँ कि पेपर लीक हो जाए, और जब मैं लड़कों से बात करता हूँ, तो लोगों से बात करता हूँ, मतलब पता है कई सारे स्टूडेंट हैं करियर काउंसलिंग जब मैं करता हूँ तो ऐसे लगता है रो देंगे, कईयों ने तो रो भी दिया। मैं समझाता रहता हूँ कि भाई 8 साल, 10 साल, 15 साल, मतलब 16-17 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी यार हद होती है, पूरी ज़िंदगी काट दी और यहाँ पेपर पेपर लीक हो रहा है।
तो ऐसे में आप लोगों का क्या कहना, कोई और स्टोरी लाइन हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक बात पहुँचे और लोगों को पता चल सके। थोड़ा लेट मैंने वीडियो बनाया, लेकिन मैं चाहता था क्लियरेंस आए इस पर तभी वीडियो बने। और अगर आप लोगों में से किसी को करियर काउंसलिंग चाहिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दिया, एक बार जा करके ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।